इंडियंस 20 के पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंडियंस 20 के पहले पार्ट में हमने उसकी एप्लीकेबिलिटी, मीनिंग, रिकॉग्निशन कंडीशन, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमने जीआरए की, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, दैट इज जीआरए तक की बात कर ली थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए उस वीडियो को और फिर इस वीडियो में आ जाइए, ठीक है। आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स, और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। यू कैन रिपीट विद मी, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल, इजंट इट? यस। सो लेट्स स्टार्ट विद द आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? जीआरआई, दैट इज ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे ऑफ दोज ग्रांट विच आर रिलेटेड टू इनकम, ओके। देन वी विल कम टू रिफंड ऑफ ग्रांट एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस डिस्क्लोजर। होपफुली दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ आवर इंडेस 20, ओके। गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, क्लियर। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, ओके। लेट्स स्टार्ट। कौन सा कलर चूज करें? देयर इज, ओके, लेकिन अगर आपको कोई कलर अच्छा ना लगे तो आप बता दिया करिए कमेंट सेक्शन में। चलिए बात करते हैं सीधा ग्रांट रिलेटेड टू इनकम के बारे में। भाई साहब क्या होता है, पहले एक हर एक चीज को समझना जरूरी होता है। तो अगर ये टॉपिक है, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रहा हूं एसेट की और इनकम की रिलेटेड टू ग्रांट, मतलब ग्रांट जो हमें एसेट के लिए मिला हो और उसके अलावा जो मिला हो, तो हमने बात कर ली थी एसेट के लिए। अब हम बात करेंगे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, आखिर ये होता क्या, पहली बात इसकी मीनिंग क्या होती है। सो आई नीड टू चेंज द कलर, आई मीन साइज ऑफ द पेन। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है, those are GRI. I repeat, those grant which are not related to asset, जो ऐसे grant जो आपको मिले हुए हैं जो कि asset से related नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब income से related है, grant related to income, okay? Yes. कहने का मतलब है कि asset नहीं है तो income माना जाता है, ठीक है। तो आपको बस GRI की मीनिंग समझनी होगी, उसके अलावा जो भी ग्रांट आपको मिलेगा दैट विल बी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। तो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम ऐसा ग्रांट है जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है। अब बात करते हैं ये किस टाइप के हो सकते हैं। एक ग्रांट सपोज करिए आपको कोई पास्ट कंडीशंस को कंप्लाई करने के लिए मिला हो, यू हैव रिसीव्ड द ग्रांट फॉर कंप्लाइंग पास्ट कंडीशंस, कोई पुरानी कंडीशंस को कंप्लाई करने के बाद आपको ग्रांट जीआरआई मिला, मैं शॉर्ट में जीआरआई बोलूंगा अभी, ठीक है। तो पास कंडीशंस को कंप्लाई करने के लिए आपको क्या मिला है? जीआरआई। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इट शुड बी क्रेडिटेड टू पीएल इमीडिएटली, शुड बी क्रेडिटेड टू पीएल फॉरन, तुरंत के तुरंत इसको पीएल में आपको क्रेडिट कर देना। इट शुड बी शोन एज योर इनकम, नथिंग एल्स। भाई साहब आपको पास्ट की कंडीशंस को कंप्लाई करने के बाद जीआरआई मिला है तो उसको पीएल में चार्ज कर दीजिए, दैट्स इट, ओके। अगर ग्रांट आपको मिला है फ्यूचर कंडीशंस को कंप्लाई करने के लिए, मतलब कंडीशंस, फ्यूचर कंडीशन येट टू बी कंप्लाइड, ओके। अगर ऐसी कंडीशन जो आपको अभी कंप्लाई करनी है, येट टू बी कंप्लाइड, देन इट शुड बी डेफर्ड, फिर इसको क्या कर दिया जाएगा? डेफर्ड कर दिया जाएगा एंड देन ट्रांसफर्ड टू पीएनएल प्रोस्पेक्टिवली। उसके अलावा उसके बाद उसके कंप्लायंस कॉस्ट के रेशियो में प्रोस्पेक्टिवली, मतलब आने वाले वक्त में ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिवली उसके बाद से। सपोज करिए आज आपको ग्रांट मिला है फ्यूचर कंडीशन को कंप्लाई करने के लिए, तो आप आज के दिन से उसको डिफर करके ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में प्रोस्पेक्टिवली। बट किस रेशियो में? इन रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, इज़न्ट इट? जो पहले था अब भी वैसा ही है, इन रेशियो ऑफ
इन रेशियो ऑफ कंप्लायंस कंडीशन कॉस्ट, इन रेशियो ऑफ कंप्लायंस कंडीशंस के खर्चे के। अब यहां पे डेप्रिसिएशन वाला रेशियो रिलेवेंट नहीं है, जैसे पहले हमने पढ़ा था जी आर ए में कि हम लोग कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस में क्या रहता था, डेप्रिसिएशन का रेशियो ही कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे आपको जो पैसा मिला जितना आपने खर्च किया उसके रेशियो में, मतलब कंप्लायंस कंडीशन कॉस्ट, समझ रहे हो क्या मतलब क्या है कंप्लायंस कंडीशन कॉस्ट। कंप्लायंस मतलब शर्तें, उसकी कंडीशंस को कंप्लाई करने के लिए, कंप्लायंस कंडीशंस मतलब कंडीशन शर्तों को कंप्लाई करने के लिए जो खर्चे लगे हैं, जितना जिस साल में लगा है उसकी रेशियो में। सपोज करो एक साल में 10, 20, 30 तो 1:2, 2:3 के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब डेफर करके ट्रांसफर करना होगा पीएनएल में, दैट्स इट। और एक केस है इसमें, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, अब क्या बचा बॉस, बच्चा है आई होप यू नो बच्चा यादव, कपिल शर्मा शो। पास की बात हो गई, फ्यूचर अगर पास में कंप्लाई किया तो पीएल में, पास कंडीशंस को कंप्लाई करने के बाद आपको कोई भी जीआरआई मिला तो उसको इनकम में ट्रांसफर कर देना, अगर फ्यूचर में येट टू कंप्लाई करना है तो उस केस में आपको डिफर करके क्रेडिट कर देना है पीएनएल में, एज सिंपल एज दिस। लेकिन अगर आपको बैकवर्ड एरिया ऑपरेशंस के लिए मिला है, बैकवर्ड एरियाज में उनके ऑपरेशंस के लिए अगर कोई ग्रांट मिला तो उसको भी आपको रेशियो ऑफ कंप्लायंस में, आई रिपीट, रेशियो ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट में आपको डिफर, मतलब उसी रेशियो में आपको पीएल में ट्रांसफर कर देना है। क्लियर है? चलिए, और एक केस क्या है इसमें, एक टर्म है जिसका नाम है फॉरगिवेबल लोन्स, ऐसे लोन जो माफ कर दिए जाते हैं, जैसे कि किसानों का लोन रहता है, फार्म लोन वेबर। तो ऐसे ग्रांट्स को इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसको आपको पीएल में क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और इंपॉर्टेंट बड़ा ही डिसेंट सा पॉइंट आता है, 2, 3, 4 चीज़ें अपनी कर ली, क्या क्या चीज़ें कर ली, पास कर लिया, फ्यूचर कर लिया, बैकवर्ड एरिया ऑपरेशन कर लिया, फॉरगिवेबल लोन कर लिया, अब बात करते हैं अपने एक कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको क्या मिला है लोन। क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये भी जीआरआई का पार्ट है, बिल्कुल है, आपको अगर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लोन मिला है तो ये जीआरआई का पार्ट। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी एक टाइप का ग्रांट है, बिल्कुल है, देखिए छूट है ना आपको, एक सपोज करिए मेरे को अगर 12% पे कोई लोन देता है, ठीक है, लेकिन आपको मिल गया 8% पे ड्यू टू सम गवर्नमेंट नॉर्म्स और एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ग्रांट। नाउ वॉट यू नीड टू डिसाइड इज कि हाउ यू विल अकाउंट दिस फॉर, तो उसकी अकाउंटिंग हम लोग यहां पे स्टेप वाइज करते हैं। कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिला है, आप एक एंटिटी हो तो आपकी अकाउंटिंग कैसे होगी, सो लेट्स डू स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, अकाउंटिंग, प्योर अकाउंटिंग मैं समझा रहा हूं कि भाई अगर आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो कैसे करोगे। पहले हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट फेयर वैल्यू, जी किसकी, फेयर वैल्यू ऑफ लोन एज पर इंड एस 109। आपको सिंपली लोन की फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी लोन की, कैसे हुआ एज पर इंड एस 109। जब हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये कैसे। बेसिकली मैं बता दूं तो इतना समझ लीजिए कि अगर आप कंसेशनल रेट पे लोन नहीं लेते तो क्या अमाउंट होता, बस इतना समझ लीजिए, वो उसकी फेयर वैल्यू है। अगर आपको कंसेशनल रेट पे
लोन लेके इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, अगर वो चीज उतना इंटरेस्ट पे करके, मतलब सपोज करिए आपको 1,000 का लोन मिला, 1,000 करोड़ का, आप उस पे 5% का इंटरेस्ट दे रहे हो, दैट इज कम अराउंड कितना 50, तो 5% का लोन दे रहे हो, तो इतना मतलब इतना इंटरेस्ट दे रहे हो। अगर इतना ही इंटरेस्ट देना पड़े और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमर्शियली जितना है उतना रहे, तो क्या होगा फिर? बेसिकली हम अगर बिना कंसेशनल रेट पे लोन लेते हैं तो वो क्या वैल्यू होगी, दैट इज व्हाट द कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ लोन एज पर द इंडेक्स 100, एंड हम इसे करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो वेट फॉर दैट। नाउ स्टेप टू, कैलकुलेट ग्रांट अमाउंट, दिस विल बी लोन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लोन। फेयर वैल्यू ऑफ लोन आपको जो कंसेशनल रेट पे लोन मिला है उसको माइनस करेंगे जो हमने फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया है, एंड देयर विल बी डिफरेंस। क्यों डिफरेंस होगा? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। फिर आगे वही अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, ग्रांट अमाउंट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप थ्री, ग्रांट का अमाउंट निकल गया, अकाउंटिंग क्या होगी? दिस कैन बी, इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज GRA और GRI। इट कैन बी एनीथिंग, ये GRA के लिए भी हो सकता है और GRI के लिए भी हो सकता है, एसेट से रिलेटेड भी हो सकता है और इनकम के रिलेटेड भी हो सकता है, मतलब अदर देन एसेट भी हो सकता है। तो आपको उसके हिसाब से इसकी अकाउंटिंग करनी है, बेसिकली नथिंग एल्स। आपको GRI क्या अकाउंटिंग फॉलो करने के लिए बोलता है और GRI क्या अकाउंटिंग फॉलो करने के लिए बोलता है, इनकेस ऑफ द ग्रांट वो आप अकाउंटिंग लगाइए, दैट्स इट। नाउ वी हैव लास्ट वन, दैट इज ड्यूटी वेबर्स, और यू कैन से ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक्स हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ ग्रांट, इसको हम लोग ग्रांट मानते हैं। सपोज करिए आप 1,000 का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, उस पर 18% टैक्स भी लगता है। आप उसने 18% आपने उससे दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट आप गवर्नमेंट ने आपको 18% वापस कर दिया, दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ ग्रांट। अब ये डिपेंड करता है कि ये GRA का है या GRI का है, और जिसका रहेगा, जिस पर्पज के लिए आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है उस पर्पज से रिलेटेड, जैसे GRI से होगा तो GRI, GRA होगा तो GRA, तो उसके हिसाब से उसकी अकाउंटिंग हो जाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, इजंट इट? थैंक यू। नाउ यू हैव सम क्वेश्चंस जो कि मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि अब GRI को हम लोग बुक्स में कहां दिखाते हैं। तो एक टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ GRI। GRI को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर है? से हेलो टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेलो। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो इसको हम लोग दिखाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ओके। अगर और SPL में कैसे दिखाते हैं, सिंपली SPL हो गया, अदर इनकम हो गया और ग्रांट, परफेक्ट, ये रहा आपका। और एक तरीका है इसमें, इसका बताने का मेन रीजन यही था और कुछ नहीं, कि आप SPL में इसको दो तरीके से दिखा सकते हो। एक तरीका जैसे मैंने बोला अदर इनकम में दिखा दो, या फिर एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हो उससे उसको नेट कर दो, एक्सपेंस जो ये आपने उस पर्पस के लिए किया है और ये जो आपने उस पर्पस से इनकम कमाया है इसको नेट करके भी आप दिखा सकते हो। मतलब ग्रांट को आप नेट करके भी दिखा सकते हो और अलग से भी शो कर सकते हो सेपरेट PNL में। तो प्रेजेंटेशन का बताने का सिर्फ इतना ही मतलब था। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, GRI का बात हो गया, PL में जाओ डेफर्ड कर दो, और एक
कंसेशनल रेट की बात की हमने, कंसेशनल रेट में हमें आपको फेयर वैल्यू ऑफ लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर माइनस कर देना पड़ेगा, तो जो जीआरआई अमाउंट आएगा वो जीआरए हो या जीआरई उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन उसका जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, तो क्वेश्चन जैसे ही आएगा स्टडी मटेरियल में हम लोग करेंगे, फिर उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, सो इट्स टाइम टू चेंज द कलर ऑफ द पेन। यस, नाउ वी हैव रिफंड ऑफ ग्रांट। ले तो लिया भाई साहब, लेकिन बीच में मूड खराब हो गया मेरा। मेरा मन कर रहा है कि अब भाई लो अपना पैसा लेके जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पैसा लो और भागो यहाँ से। मेरे को नहीं चाहिए भाई, तुम्हारे यहाँ बहुत सारा कंप्लायंस है, ये करो तो वो करो, ये नहीं कितना दिन में पैसा दोगे तुम, कब हम अपनी बुक में लेंगे, खर्चा तो कर दिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला अच्छा ठीक है, कुछ अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी, और उस अकाउंटिंग को मतलब इस बदलाव को, इस रिफंड ऑफ ग्रांट को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट में बदलाव के नाम से इसे आप पुकार सकते हैं। अर्लियर जो था AS 12 में इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह माना जाता था, कि चेंज इन रिफंड ऑफ ग्रांट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में दिखाया जाता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं, जमाना बदल गया है, न्यू इंडिया आ गया, तो अभी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की तरह माना जाता है, और दैट इज हाउ अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे वो हम बात करेंगे। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्यों नहीं रहा, क्योंकि इंडिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कोई जगह ही नहीं, खल्लास हो गया, कोई बात ही नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब क्या, सवाल तो अब ये उठा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम, बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी। ओके लेट्स वेट, सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आवर ग्रांट रिफंड, दो लाइन खींच ली अपने, थोड़ा सा इसको व्यू को बैक कर देते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी होगा। भाई साहब आप ऐसे आ जाओ, ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, आई नीड टू यूज द डिफरेंट इरेजर, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ यार, ठीक है, प्रेजेंटेशन मैटर्स, आई नो कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू। अब दो केस था अकाउंटिंग में, हमारे पास जीआरए था और जीआरआई था, परफेक्ट। जीआरए क्या बोलता है, आई मीन दो मेथड थे जीआरए में अगर आपको याद हो तो, एक मेथड था डिफर्ड करने का, डिफर्ड ग्रांट मेथड, और एक मेथड था नेट मेथड, मेथड व्हाटएवर, ठीक है। इधर सिर्फ डिफर्ड ग्रांट मेथड था, जैसा अभी आपने पढ़ा, मतलब यहां पे नेट मेथड नहीं था कि आप एसेट या फिर किसी से आप उसको डायरेक्टली डिडक्ट कर दो, आपको पीएल में डालना है या फिर उसको आप डिफर करके, ऑल दो पीएल में ही ट्रांसफर करना है डिफर्ड ग्रांट मेथड का, कि आज कहने का मतलब ये है कि आप पीएल में ही उसको ट्रांसफर करोगे। नेट मेथड से क्या होता था कि एसेट से रिड्यूस कर दिया जाता था, अगर आपको याद हो तो। चलिए, अगर डिफर्ड मेथड आप फॉलो कर रहे हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा, तो रूल इज आपको फर्स्ट डेबिट करना पड़ेगा डिफर्ड ग्रांट इफ एनी। आपकी बुक में कोई भी डिफर्ड ग्रांट आज की डेट में बुक होगा ही, जब आप रिफंड जब सपोज करिए ये टाइम है आपको ग्रांट को कंप्लाई करने के कंडीशंस को, बहुत सारे साल बाकी हैं अभी, लेकिन यहाँ पे आपका चेंज ऑफ मूड हो गया, बोला दो साल किए बहुत हो गया भाई, अब नहीं, अब ग्रांट जो मिला उसको रिफंड कर दो, लेकिन आपने तो यहाँ पर डिफर्ड ग्रांट पूरे साल के लिए बुक कर लिया होगा, यहाँ तक का आपने क्रेडिट कर दिया होगा पीएनएल में, लेकिन ये तो बुक में आपके पड़ा होगा, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा,
डेबिट लायबिलिटी है, तो जब डेबिट करेंगे तो हट जाएगा। सेकंड डेबिट आपको करना पड़ेगा पीएनएल को। जी हाँ, आपने इनकम दिखाया था, अब उसका एक्सपेंस दिखाने के उसको फिगर को राइट ऑफ कर देना पड़ेगा। यहां पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, एसेट को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं डायरेक्ट ग्रांट से टू एसेट, तो एसेट रिड्यूस हो गया इसकी वैल्यू। जब ये ग्रांट रिफंड हो तो एसेट डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एसेट को तो बढ़ा दिया जो घटाया था पहले, अब इसमें जो सेकंड स्टेप आप करोगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिवली होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिवली। उसके बाद मतलब उसी साल में एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा। इसका भी मैं लॉजिक बता देता हूं जो कि जानना बहुत जरूरी है। आपने 1000 करोड़ की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर आपको गवर्नमेंट ने 300 करोड़ का ग्रांट दे दिया, आपने वैल्यू दिखाई 700, फिर फ्यूचर में जाके आपने 700 को डेप्रिशिएट किया ओवर द पीरियड ऑफ से 10 ईयर्स, 70 और 70 एंड 70, 3 साल डेप्रिशिएट किया एंड द वैल्यू कम्स अराउंड 210 माइनस कर दो मतलब 490, ये वैल्यू है। लेकिन आपने जो ग्रांट लिया था अब उसको अब रिफंड कर रहे हो, तो यहाँ पे 300 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आपकी एसेट की न्यू वैल्यू आ जाएगी 300 प्लस 490, तो ये आ जाएगा 790, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपको इस समय करना क्या होगा, आपको यहां से 1000 से 10 ईयर मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि इस वैल्यू के हिसाब से आपका वैल्यूएशन आ रहा है अभी। तो 1000 के हिसाब से अगर 3 साल का अगर करें तो 100 100 100, तो ये 300 का डेप्रिसिएशन आता है, ठीक है, जिसमें से आपने पहले से ही 210 चार्ज कर दिया है, तो 90 बचा, दिस विल बी योर एडिशनल डेप्रिसिएशन। ऐसा इसलिए क्योंकि करेक्ट वैल्यू हम लोग दिखा पाए, अब ये 90 माइनस हो जाएगा तो ये 700 आ जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। जैसे ही 90 लगा तो बुक वैल्यू 700 आ जाएगी, तो ये ट्रू एंड फेयर वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी 10 साल की यूजफुल लाइफ की, इजंट इट। ये भी रिप्रेजेंट कर रही थी, अगर यहाँ तक जो सही था 490 आया तो वो वहाँ तक भी रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको ऐड बैक किया तो डेप्रिसिएशन में भी थोड़ा सा डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके एसेट की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए एज कंपेयर टू द यूजफुल लाइफ। ओके, नाउ नेट मेथड हो गया। GRI में डिफर्ड ग्रांट मेथड है ओनली। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, जो यहां पे हुआ तो वही होगा। फर्स्ट डेबिट करना पड़ेगा आपको डिफर्ड जो ग्रांट की लायबिलिटी है इफ एनी, एंड सेकंड आपको पीएल में उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो डिफर्ड का एक ही ट्रीटमेंट है, नेट मेथड का थोड़ा सा एक टू अलग ट्रीटमेंट। तो ये रही आपकी रिफंड ऑफ ग्रांट की अकाउंटिंग। अब बात करते हैं अपनी डिस्क्लोजर की। एक और पॉइंट बचा है जो कि बचा है अपना, अगर ग्रांट आपको काइंड में मिला है तो क्या होगा। चलिए वो भी कर लेते हैं, फिर डिस्क्लोजर करेंगे। If grant is received in kind, अगर taxation आपको पता है तो आप perquisite बोलते हैं, हम लोग perquisite बोलते हैं, perquisite, ठीक है। चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये grants की recording होगी, should be recorded at fair value, it will be recorded at fair value along with the डिफर्ड ग्रांट। सपोज करिए इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, जर्नल एंट्री अगर मैं करके दिखाऊं, एसेट अकाउंट डेबिट
टू डेफर्ड ग्रांट, और जो ये रिकॉर्डिंग होगी इसकी ये फेयर वैल्यू पे होगी। मैं फेयर वैल्यू का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि भाई सब काइंड में है। ओके ड्यूड ब्रो गर्ल्स एवरीवन, काइंड में है मतलब कि आपको उसकी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको मैं दया दे रहा हूं उसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर गवर्नमेंट ने कोई नॉर्म में आपको ढिलाई कर दी, अगर उस पर खर्च, सपोज कर गवर्नमेंट ने बोला कि आपको ये कंप्लायंस फुलफिल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसको फुलफिल करने में आपको वकील का खर्चा हो सकता है और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, शायद उसमें आपको 10-20 लाख रुपये लग जाए, तो उस काइंड के ग्रांट को आपको फेयर वैल्यू पे लाके एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब एसेट अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वो एसेट की कॉस्ट है। अगर वो ग्रांट नहीं मिलती तो आपका एसेट की वैल्यू ज्यादा होती या नहीं होती, होती। तो ऐसे ही यहां पे आपको इसको डिफर्ड करके फिर रेशियो ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट में, जैसे सबकी ट्रीटमेंट होती है कंप्लायंस कॉस्ट में, इसको क्या करना पड़ेगा पीएल में क्रेडिट करना पड़ेगा ओवर द यूजफुल लाइफ जब तक वो खत्म ना हो जाए। और एक पॉइंट था जिसका हम बोल सकते हो अमेंडमेंट आया, बहुत पुराना हो गया अभी, बट आई शुड टेल इट। ओके 2918 इसका विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से ये एप्लीकेबल था कंपनीज के लिए। ये बोलता है कि एसेट्स कैन बी recorded at nominal value, okay, or small value, अब इस केस में no depreciation का झंझट, नो amortization का झंझट। आपको मैं बताता हूं easily, समझिए easy and peasy लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करो, आपने एक जमीन खरीद ली, ठीक है, मैं पहले जब ये एप्लीकेबल नहीं हुआ विदाउट इसके मैं दिखाता हूं। आपने कोई लैंड खरीदी, लैंड अकाउंट डेबिट 10 लाख टू डेफर्ड ग्रांट, ये पूरी की पूरी आपको गवर्नमेंट ने लैंड दे दी पूरी की पूरी, ठीक है, और ग्रांट की तरह आप दिखाओगे बिकॉज इसमें आपका कोई खर्चा लगा नहीं था, 10 लाख का 10 लाख आपको पूरा ग्रांट की तरह मिल गया। इसको आप डिफर्ड करोगे पीएल में डालोगे, ठीक है, अब उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आप एक काम करो ऐसे बुक कर लो लैंड अकाउंट डेबिट 1 रुपया करके टू डेफर्ड ग्रांट, बस कोई झमेला नहीं। फिर यहां पर डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, बोला आपको ना डेप्रिसिएशन का झमेला ओवर द यूजफुल लाइफ चार्ज करो ये करो ये करो, भाई साहब आपका तो रुपया तो 1 रुपया भी नहीं लगा, 1 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं, नॉमिनल वैल्यू पे बुक करो बात खत्म, क्लियर एज इट इज। आप उसको बुक करोगे डिफर ग्रांट को ट्रांसफर करोगे, फिर यहाँ पे अगर तो डेप्रिसिएशन का केस नहीं है लैंड के, इसमें बिल्डिंग रहा तो उसमें डेप्रिसिएशन लगाओगे फिर, तो भाई साहब आप क्या करोगे, इसको यूजफुल लाइफ पर डेप्रिशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू को राइट नील करने के लिए बेसिकली। एक रूल ये है अगर स्पेसिफाई करें कि भाई साहब आपको अगर पूरा गवर्नमेंट ग्रांट ही मिल गया तो आप उसको क्या करो नॉमिनल वैल्यू पे बुक कर लो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपकी बुक में क्योंकि आपने कोई खर्चा ही नहीं किया, डेफर ग्रांट भी बुक कर लो, डेफर ग्रांट टू पीएल चार्ज कर तो बात करता, ठीक है, बहुत ईजी है, इसीलिए शायद ही पूछे इंस्टीट्यूट। अगर क्वेश्चन मिलेगा स्टडी मटेरियल में तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक अपना करते हैं। इस
इंडियस का, दैट इज इंडियस 20. क्या होता है लास्ट पॉइंट? एज ऑलवेज डिस्क्लोजर, और कुछ नहीं. क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये तो भाई सब सिंपली याद ही करना पड़ेगा. अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, आप कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो, शुड बी डिस्क्लोज्ड. ये सारे जो डिस्क्लोजर बताए जाते हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्जाम्स होते हैं. डिस्क्लोजर से बहुत सारे हैं लेकिन जो एग्जाम्स से रिलेवेंट है वही डिस्क्लोजर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स शुड बी व्हाट? डिस्क्लोज्ड. गवर्नमेंट असिस्टेंस अगर है आपके पास वो भी क्या होना चाहिए? शुड बी डिस्क्लोज्ड विद एनी कंडीशन इफ एनी. अगर कोई कंडीशन है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. गवर्नमेंट असिस्टेंस कैसा हो सकता है? इट कैन बी फ्री एडवाइस ऑल्सो, फ्री एडवाइस टू एंटिटी, कोई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन, आपको अगर याद हो हमने बताया था कि गवर्नमेंट ग्रांट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दी गई ऐसी असिस्टेंस जिसकी वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी टेकन, जिसकी वैल्यू हम लोग नहीं नाप सकते, जिसकी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, उसे हम लोग गवर्नमेंट असिस्टेंस कहते हैं. तो उसको हमने डिस्क्लोज करना पड़ेगा. इट कैन बी एनीथिंग. आपको एडवाइस मिला, गवर्नमेंट ने आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुलाया, गवर्नमेंट ने आपको कोई स्कीम बताई लॉन्च की तो उसमें आपको बुला के समझाया बैठाया, एडवाइस दिया, रिसर्च आपके साथ किया, तो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट असिस्टेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस एंड आई विल वंस व्हाट रिपीट इट डेफिनेटली. हमने स्टार्ट किया था जीआरआई से. जीआरआई मतलब ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ऐसा ग्रांट जो कि एसेट नहीं हो, एसेट से रिलेटेड नहीं, वो इनकम कहलाता है. पास कंडीशंस को कंप्लाई करने के बाद आपको ग्रांट मिला तो पीएल में डायरेक्टली इमीडिएटली ट्रांसफर करिए, क्रेडिट करिए, इनकम दिखाइए. फ्यूचर कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए तो डिफर करके उसके रेशियो ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट जितना जितना खर्चा होता है उसके रेशियो में आपको उसको पीएल में ट्रांसफर करना है. बैक क्वाड एरिया ऑपरेशन के लिए तो रेशियो ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट में फॉर गिवन लोन्स है तो उसको डायरेक्ट इनकम बनाई. कंसेशनल रेट पे तो उसका फेयर वैल्यू निकालिए और जो लोन का अमाउंट है कंसेशनल और उसे माइनस करिए, दैट विल बी योर ग्रांट. और उसको आपको क्या करना पड़ेगा? जीआरआई से रिलेटेड है तो जीआरआई की अकाउंटेंट ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, जीआरआई से रिलेटेड है तो जीआरआई की अकाउंटेंट ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी. ड्यूटी वेबर है तो ड्यूटी वेबर ग्रांट, अगर एसेट से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है तो वो अकाउंटिंग जीआरए वाला जीआरए के हिसाब से जीआरए के जीआरए प्रेजेंटेशन क्या होगा. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में. एसपीएल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप अदर इनकम में भी दिखा सकते हो एज अ ग्रांट और आप एक्सपेंस में एज एन एक्सपेंस लेस उसका जो इनकम है उसको मतलब नेट फिगर करके दिखा सकते हो. अराउंड रिफंड ऑफ द ग्रांट में क्या होगा? जीआरए के केस में डेफर्ड ग्रांट मेथड दोनों के केस में सेम ही है कि आपको पहले डेबिट करना पड़ेगा जो भी आपका क्रेडिट पड़ा हुआ डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी का, उसके बाद पीएल में भी आपको डेबिट करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब पीएल में भी आपको एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो आप रिफंड आप
एक्सपेंस की तरह दिखाएंगे क्योंकि आपने पहले इनकम बुक कर लिया। नेट मेथड में क्या होता है, एसेट को आप पहले रिड्यूस कर दिए रहते हैं तो पहले आपको एसेट को डेबिट करके इंक्रीज करना पड़ेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि आपको एसेट की ट्रू एंड फेयर वैल्यू निकालनी है। अगर काइंड में मिला तो डिफर्ड ग्रांट करके बुक करिए, एसेट की वैल्यू को बढ़ाइए और रेशियो ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करिए। ज़्यादातर केस में डिफर्ड ही है। अमाउंट को नॉमिनल वैल्यू पे भी बुक कर सकते हैं अगर ये आपको मिला हुआ है फुल्ली, अगर ग्रांट उस पे है। डिस्क्लोजर में अकाउंटिंग पॉलिसी, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट असिस्टेंस को डिस्क्लोज करिए। दैट्स इट फ्रॉम द इंडियस 20 एंड वी विल मीट विद व्हाट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ इंडियस 20। लेट्स मूव एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड कमिंग बैक एंड वॉचिंग आवर वीडियोज। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, पसंद क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए इफ यू आर न्यू हियर, एंड बस थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सॉरी मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ।